हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 534 वैकेंट पोस्ट जो कि HSSC की तरफ से आई हुई है और इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी डेट को कई बार एक्सटेंड किया जा चुका है, तो अभी भी अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। जी हाँ, जो भी 534 रिक्त पद है आप उस पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसकी सारी डिटेल हम आपको देंगे, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किसमें कितनी वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी वाइज मतलब, और साथ ही साथ में हम आपको बताएंगे वेबसाइट। और जो है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डेट एक्सटेंड की गई है उसकी नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, कितनी बार डेट एक्सटेंड हुई है, उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चल तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स के लिए आप मेरी प्ले लिस्ट रिक्रूटमेंट जॉब पर विजिट करें। PhD के लिए अलग प्ले लिस्ट वहाँ पर विजिट करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर्स और अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन के सिलेबस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट सिलेबस पर विजिट करें। इसके अलावा इस चैनल पे अन्य कई प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ पे विजिट करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। यह चैनल समर्पित है टोटली हायर एजुकेशन को। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ दिस कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2015 कैट नंबर 16 हैविंग पास्ड HTET till the date of interview of advertisement number CAT number 16 are hereby allowed to apply for advertisement number 1/2021. The last date for applying online application form against this advertisement 1/2021 is hereby extended from 24th April to 9th June till 11:59 PM through the URL address advertisement number 12021HRYSSC.in statics page home page, इस तरीके से लिंक दिया हुआ है। Thereafter website link will be disabled. इसके बाद जो है वेबसाइट लिंक डिसेबल कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं कि फॉर्म फिलिंग की जो डेट है उसे एक्सटेंड की गई है 24 मई से आपका 6 जून तक के लिए। तो आप इतने दिनों तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी इज आल्सो एक्सटेंडेड। तो अब जो फी डिपॉजिट करनी है आपको 11 जून तक आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल विल बी इशू बाय द कमीशन लेटर ऑन। जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होगा वो कमीशन के द्वारा बाद में आपको सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन है 18 मई की, यानी कि रिसेंट नोटिफिकेशन है। वेबसाइट आप नोट कर लें अभी ही, www.hsssc.gov.in। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला से। फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है फॉर फर्दर रेफरेंस। आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, कवर करते हैं वैकेंसी। पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हम पोस्ट को कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट संस्कृत, जर्नल में 325 पोस्ट है, SC में 119, BCA में आपका 59 और BCB में 31, EWS में 0, टोटल 534। जनरल में 325, SC में 119, BCA में 59, BCB में 31, EWS में 0, टोटल 534। तो अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल में 16, SC में 6, BC में 3, BCB में 2, जनरल में 10, SC में 4, BCA में 2, BCB में 1, जनरल में 13, SC में 5, BCA में 2 और BCB में 1। तो इस तरीके से जो है पोस्ट का जो विवरण है, डिटेल्स है, स्क्रीन पे आपके सामने है। और 4% रिजर्व फॉर PHC हॉरिजेंटल विजुअल इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिक्स, हैंडीकैप्ड एंड डीफ एंड डम।
तो 4% इन लोगों के लिए रिजर्व किया गया है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो इन द पे मैट्रिक्स लेवल 8 सैलरी यहाँ पे 47,600 टू 1,51,100 तक है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, लेवल भी बहुत ही अच्छा है। लेवल 8 अपने आप में एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एमए संस्कृत आचार्य विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड एंड शिक्षा शास्त्री लैंग्वेज टीचर कोर्स एलटीसी ओरिएंटेड ट्रेनिंग ओटी इन संस्कृत फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कंडक्टेड बाय द हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपका संस्कृत में एमए आचार्य विथ एटलीस्ट 50% कम से कम 50% मार्क्स के साथ एंड बीएड और बीएड होना चाहिए, शिक्षा शास्त्री लैंग्वेज टीचर कोर्स एलटीसी ओरिएंटेड ट्रेनिंग ओटी इन संस्कृत फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, संस्कृत में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कंडक्टेड बाय द हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, या इसी के समकक्ष जो है कि कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इथ मैट्रिकुलेशन और हायर, हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपका मैट्रिकुलेशन और हायर में होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास HTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कैंडिडेट्स हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन फ्रॉम 10 to 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एज द केस मे बी, हाउ एवर द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेप्ट PGT कंप्यूटर साइंस एंड इन केस ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस इन द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन एज द केस मे बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 534 पोस्ट ऑफ द PGT संस्कृत रेस्ट ऑफ हरियाणा, तो यहाँ पे जो 534 पोस्ट हैं वो सारे के सारे PGT में संस्कृत विषय के लिए ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत विषय वाले जो हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में डेट पुराने दिए हुए, जैसा कि आपको पता है कि कोरिजेंडम को अपडेट करके वेबसाइट पे डेट को एक्सटेंड किया जाता है, तो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको दिखाया कि किस तरीके से डेट को बढ़ा दिया गया है। तो इस डेट को लेके आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट एक बार आप फिर से नोट कर लें, www.hssc.gov.in पंचकुला हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन से ये वैकेंसी आई हुई है। तो जो लोग भी संस्कृत में अप्लाई करना चाहते हैं संस्कृत विषय से, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म को फिल करने का, वीडियो पॉज करके इम्पॉर्टेंट नोट्स ज़रूर पढ़ें। फी देख लेते हैं फ्रेंड, जनरल मेल और फीमेल 500, फीमेल रेजिडेंट हरियाणा की अगर हैं तो 125 और SC BC EWS कैंडिडेट ऑफ हरियाणा मेल फीमेल 125 एंड 75, तो इस तरीके से दिया गया है। और PWD के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। तो इस तरीके से है क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, क्राइटेरिया देख लें यहाँ पर दिया हुआ है कैसे होगा, रिटन टेस्ट होने वाला है और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस टोटल 90 and 10। ये एग्जामिनेशन शेड्यूल पुरानी हो चुकी है फ्रेंड्स, नए वाले नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि वो आपको सूचित करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।